खातिनों हजरात आपने फ्री लैंसिंग के बारे में काफ़ी जानकारी ले ली आपको ये भी पता लग गया कि वट आर द डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ बिकमिंग अफेक्टिव फ्री लैंसर आपको स्किल के बारे में भी पता लग गया नाउ वट नीड्स टू बी डिटर्मन इज द लेवल ऑफ स्किल नाउ ऑल दो दिस टॉपिक इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बट ये बताना बहुत ज़रूरी है उन बिगनर्स को जो कोई स्किल सेट एक्वायर कर लेते हैं कोई महारत हासिल कर लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर को सीख लेते हैं बट वो ये समझते हैं कि इनिशियल लेवल सीखना ही मोर देन इनफ है और उनकी जो है वो दाल गल जानी है हाँ मैंने जानबूझ के वर्ड यूज़ किया दाल गल जानी है ये इसलिए यूज़ किया कि आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होगी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बेसिक्स समझने में उसको थोड़ा सा आगे यूज़ करने में और आप आ, उन लोगों के साथ कंपीट कर पाएंगे जो प्रोज हैं जो पिछले पांच पांच दस दस सालों से बैठे फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स पे बैठ कर रहे हैं आई एम सॉरी यू आर मिस्टेकन आपका लेवल ऑफ स्किल ही डिटर्मिन करता है कि आप कितने मैसिव स्केल तक अपनी कॉम्पिटेंसी शो कर पाएंगे किसी भी शोबे में ले लीजिए फ्रीलैंसिंग को छोड़ दीजिए आप अगर क्रिकेटर हैं क्योंकि मैं क्रिकेट की एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है अगर तो आप स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड और मेहनत करने वाले बैट्समैन हैं आपके सर्वाइवल के चांसेस और आपके एक्सेल करने के चांसेस एक ऑर्डनरी प्लेयर से ज्यादा बढ़ जाते हैं सेम गोज फॉर फ्रीलांसर अगर आपने कोई स्किल सीख ली है खौती नजर अगर आप उसको पॉलिश नहीं करते अगर आप उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते यकीन जानिए यू विल बी रन ओवर बाय योर कंपटीशन बिकॉज वो कंपेटिटर स्किल में एक्सपीरियंस में आपसे बहुत आगे होगा सो लेवल ऑफ स्किल एक्चुअली डिटर्मस योर सक्सेस एज अ फ्रीलांसर इन अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस अब आपका लेवल ऑफ स्किल आप पे डिपेंडेंट है हिशाम सर्वर के बताने से फर्क नहीं पड़ेगा बट हिशाम सर्वर यह जरूर बता सकता है कि जितना ज्यादा कॉम्पिटेंट होंगे जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेंगे रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट So, जितना कॉम्पिटेंसी के बाद एक्सपीरियंस लेंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को सीखने में उतना ही ज्यादा आप अपनी फील्ड में एक्सेल कर पाएंगे डू नॉट स्टॉप कीप लर्निंग ट्यूटोरियल्स कीप लर्निंग न्यू इंप्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी विच एक्चुअली हैपन्स एवरी सेकेंड डे दुनिया टेक्नोलॉजी की बहुत तेज स्पीड पर चल रही है हर दूसरे हफ्ते एक नया सॉफ्टवेयर टूल आ जाता है मैंने जब अडोब फोटोशॉप में काम स्टार्ट किया था तो उस वक्त अडोब फोटोशॉप थ्री होती थी और अब अडोब फोटोशॉप का ये लेवल आ गया अब इस पूरे दस सालों में अगर मैं अडोब फोटोशॉप के थ्री के टूल्स पे ही रहता तो आज आई वॉज डाउन आउट ऑलमोस्ट बर्ड इन द फ्री लैंस बिजनेस बिकॉज मैंने तो अपनी स्किल ही एडवांस नहीं की मैंने अपने आप को YouTube के थ्रू ट्यूटोरियल सीख के बहुत सारे कोर्सेस लेके और आप तो बहुत खुश नसीब हैं यकीन जानिए है कि मेरे कोर्स के साथ आपको इतने ज़्यादा स्किल सेट मिल रहे हैं जो आपको हैंड्स ऑन नॉलेज दे रहे हैं चौबीस चौबीस घंटे के तो स्किल को एडवांस कीजिए आपका लेवल ऑफ स्किल ही डिटर्मन करेगा कि आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने फ्रीलांस बिजनेस में देर इज नो स्टॉपिंग हेयर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है जितना टाइम आप टेक्नोलॉजी सीखने में अपनी फील्ड से रिलेटेड स्किल को इन्हैंस करने में स्किल को इम्प्रूव करने में और फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होती नौ ट्यूटोरियल सीख के उसको प्रैक्टिस कीजिए अपने आप को चैलेंज कीजिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ट्यूटोरियल सीख के दो तीन दफ़ा समझ के अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि मैं जब उस ट्यूटोरियल को रिपीट करूँगा या करूँगी तो मैं दोबारा वीडियो नहीं देखूँगा बारह घंटे तक दिस वुड इम्प्रूव योर स्किल एज वेल एज योर यू नो मेंट गिव यू अ मेंटल स्ट्रेंथ और जब स्किल इम्प्रूव हो गई तो फिर कौन सा मैदान कौन सा कंपटीशन और कौन सी नाकामी स्किल इम्प्रूव कीजिए हायर द लेवल ऑफ़ योर स्किल मोर द चांसेस ऑफ यू बिकमिंग सक्सेसफुल